आज से मुंबई में प्लेटफॉर्म टिकट के बढ़े दाम। प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में 50 रुपए का हुआ इजाफा। सीएसएमटी दादर एलटीटी ठाणे स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। देर रात लोकल महिला डिब्बे में घुसा नशे में धुत युवक, महिलाओं ने डांट कर उतारा नीचे। कल रात शिवाजी पार्क में हुए दीप महोत्सव में एक साथ नजर आए सीएम शिंदे, फडणवीस और राज ठाकरे। महाराष्ट्र में नए गठबंधन की हो रही है चर्चा। शिवसेना नेता संजय राउत और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका हुई स्थगित। जेल में मनानी होगी दिवाली। अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर तक का करना होगा इंतजार। सीएम शिंदे के गढ़ में बढ़ रही गुंडागर्दी। कल ठाणे के 2 इलाके में फायरिंग करने वाला गुंडा हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने जब्त किया पिस्तौल। पुणे पुलिस ने एक गोदाम से 10 लाख रुपए के सेक्स टॉय किए बरामद। बड़ी तादाद में ऑनलाइन के माध्यम से खरीदा जा रहा है सेक्स टॉय। शिंदे फडणवीस सरकार स्वास्थ्य विभाग में 10,000 लोगों को देगी नौकरी। जनवरी में नोटिस के बाद मार्च में होगी परीक्षा। अप्रैल में दे दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला हुआ अरेस्ट। मामले में नवी मुंबई के तुरभे से शख्स गिरफ्तार। ग्रैंड हयात, पीवीआर मॉल, इंफिनिटी मॉल को उड़ाने की दी थी धमकी। शिवसेना भवन के सामने मनसे के बैनर में एक साथ दिखे राज ठाकरे, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस। महाराष्ट्र में नए गठबंधन की चर्चा तेज। मनसे ने शिवसेना भवन के सामने लगाया बैनर। दिवाली से पहले 100 रुपए में राशन किट देने की शिंदे सरकार की योजना हुई फेल। कई इलाकों में अभी तक नहीं पहुंचा राशन किट। 510 करोड़ रुपए खर्च करने की दी गई थी मंजूरी। मुंबई से सटे कल्याण में गौमांस की तस्करी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। 1,500 किलो गौमांस हुआ बरामद। त्योहार में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 1 नवंबर से 15 नवंबर तक के लिए अलर्ट किया जारी। सार्वजनिक रैली, रोड शो नहीं कर सकते। धारा 144 रहेगी लागू। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार ने महाविकास आघाड़ी के एक और फैसले को पलटा। अब सीबीआई को किसी भी केस की जांच के लिए राज्य सरकार के परमिशन की नहीं लेनी होगी जरूरत। बॉलीवुड एक्ट्रेस आस्था सिदान ठगी का शिकार। ओटीपी शेयर किए बिना ही अकाउंट से निकल गए 6 लाख रुपए। कंप्यूटर इंजीनियर अनीस अंसारी को मुंबई की स्थानीय अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने अक्टूबर 2014 में अंसारी को किया था गिरफ्तार। आतंकी हमले की कर रहा था साजिश। महाराष्ट्र में एसटी बस सेवा ने 31 अक्टूबर तक बढ़ाया किराया। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए महामंडल ने लिया फैसला। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने उद्धव और आदित्य ठाकरे से की मुलाकात। लगभग 3 घंटे तक चली मुलाकात। पुणे में रहते हो कि पानी में, बाढ़ की स्थिति को लेकर सामना के माध्यम से भाजपा पर साधा निशाना। भाजपा और मनसे के बीच गठबंधन है क्या? छुपा हुआ गठबंधन है तो जग जाहिर करें, एनसीपी नेता रूपाली पाटिल की मांग। सांता क्रूज बेस्ट बस डिपो में कॉन्ट्रैक्ट बस स्टाफ हड़ताल पर, बोनस और पगार न बढ़ाने से नाराज। सांसद श्री गोपाल शेट्टी ने श्री गिरीश महाजन से दोबारा मिलकर की स्वर्गीय प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल का कार्य शुरू कराने की मांग। 15 दिनों में सोने के दाम 2,000 रुपए घटे। 5 ग्राम सोने का सिक्का 25,800 रुपए में उपलब्ध। आज पूरे मुंबई में दिखेगी दशहरा की धूम। सोने चांदी की जमकर लोग करेंगे खरीदारी। कल के शिवाजी पार्क दीप महोत्सव के बाद तेजी से वायरल हो रहा है यह फोटो। इस फोटो में बाला साहेब ठाकरे, मनोहर जोशी, भाजपा नेता दिवंगत प्रमोद महाजन दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कल की तस्वीर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे दे रहे हैं दिखाई। दादर में शिंदे गुट की शिवसेना का लगा बैनर। शिंदे गुट ने बताया असली हिंदू असली शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे हमारे साथ।